लाइक्रा पेंट का, या जैसे स्टेज कपड़ा बोलता है, उसका अभी कपड़ा बहुत ज़ोरों से चल रहा है और उसका पेंट भी बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि अभी आप स्टार्ट कर दें शुरू से और अपने मार्केट में अपना पकड़ बना लें, क्योंकि वो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और चलता भी है। तो उसके लिए क्या क्या करना होता है, कौन सा मशीन लगता है उसमें, तो आज मैं उसके लेके बात करूँगा। और अगर आपको कपड़ा का भी नॉलेज चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगा, क्योंकि और कमेंट में बताना यार, क्योंकि मैं अभी तिरपुर से 8 दिन हुआ है तिरपुर गया था, तिरपुर होके मैं अभी सूरत में हूँ, तो आपको कपड़े का भी नॉलेज बहुत बढ़िया दे सकता हूँ। या फिर कोई कपड़ा ख़रीदना चाहता है घर बैठे जो दूर में रहता है, वो लोग उन लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, कहाँ से कपड़ा ले सकते हैं या कितना क्वांटिटी में आप ले सकते हैं और कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। और मशीन का भी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ मशीन का। तो कोई भी सिलाई डिपार्ट है दोस्तों, उसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो सिलाई होता है, सिंगल नीडल वाला मशीन तो आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो आप सिलाई कर ही नहीं सकते हैं, चाहे उसमें लगे या ना लगे। तो पेंट बनाने के लिए आपको सिंगल नीडल मशीन एक तो लेना है, तो उसी को लेके आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्या क्या चीज़ें हमें लेना होता है। तो आपको वीडियो में आखिर तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट भी करना मेरा कैसा लगता है मेरा वीडियो आप लोगों को, जो लोग आप देखते हैं बगैर बताए चले जाते हैं, ऐसा मत करना यार, बता के जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिर तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको सिंगल नीडल मशीन तो लेना है, क्योंकि सिंगल नीडल मशीन के बगैर आपको काम नहीं चलता, वो तो लेना है। और दूसरा जो है वो आपको 4 थ्रेड मशीन है, ये लाइक्रा कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा हो या ओवरलॉक ही क्यों ना करना हो, तो 4 थ्रेड मशीन लेने का फ़ायदा ये होगा आपको कि आप कोई भी चीज़ में ओवरलॉक करना चाहते हैं ओवरलॉक कर लो, 4 थ्रेड करना है 4 थ्रेड कर लो, उसमें सिलाई भी होगा ओवरलॉक भी होगा। और अगर वो काम नहीं है तो सिर्फ उससे ओवरलॉक का काम ले सकते हैं। वो काली मुंडी वाला अब नहीं चलता, वो लेना भी नहीं है, उसमें आप फंस जाएंगे, वो बार बार ख़राब होगा, मोटर लगेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको काली मुंडी का ओवरलुक नहीं लेना है, 4 थ्रेड ही लेना है और अपना काम स्टार्ट करें। उसमें पेंट बनाना बहुत आसान है दोस्तों, वो आपको मिनिमम एक के मान के चलें 1 मीटर में आपका पेंट एक तैयार हो जाएगा, चाहे आप कोई भी हो, 3000, 3200, 3400, 3600, 2800, छोटा बड़ा मिला के। आप अगर ज़्यादा छोटा कट रहा है तो 90-95 सेंटीमीटर में आपका पेंट बनता है, क्योंकि पेंट का मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, हमने पेंट फॉर्मल पेंट में काम बहुत दिनों तक किया है और देखा भी है। तो 90 से लेकर 100 के बीच में आपका पेंट का एवरेज रहेगा। तो लाइक्रा कपड़ा जो है वो आपको किलो का हिसाब मिलेगा, और वो GSM पे निर्भर करता है, कितना GSM का है, एक KG में कितना किलो कितना मीटर आ रहा है। अगर आप 200-250 GSM का लगा रहे हैं तो उसमें कम आपका मीटर आएगा, और मिनिमम 180-200 तक तो रहेगा वो पेंट का कपड़ा। तो वो आप स्टार्ट करें, और अंदर ग्रिप डालना है, ग्रिप डालने नहीं डालना है, इलास्टिक वाला भी जो भी लोअर जो बन रहा है इलास्टिक वाला उस हिसाब से भी चला सकते हैं, जीपर भी लगा सकते हैं। उन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बना के दिखा भी देता आप लोगों को कैसे बनता है कैसे दिखता है, मेरे पास उतना अभी अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको इधर से जानकारियाँ दूँगा कौन सा मशीन लगेगा कौन सा कपड़ा लगेगा, उस सब जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इसमें। और फ्लैट लॉक मशीन का कोई काम नहीं होता, फ्लैट लॉक मशीन से आप लोअर में काम आता है, टी शर्ट में काम आता है, फ्लैट लॉक का नहीं काम रहता ये पेंट वाला में। अगर आप पेंट बनाएंगे तो इसमें फ्लैट लॉक का काम नहीं है, सिर्फ 4 थ्रेड और सिंगल नीडल मशीन से आपका काम चलेगा। और प्रेस के लिए अब वो झंझट भी नहीं रहा कि हमें बड़ा स्टीम प्रेस लगाना है, स्टीम बनाना है, ऐसा नहीं है यार। अभी एक 3 लीटर का मान के चले एक डब्बा रहता है, उसमें उसका पानी आता है और 5000 में बढ़िया प्रेस आ जाता है, तो उस प्रेस का भी झंझट ख़त्म हो गया, अभी लो क्वालिटी बनता है। और ये सब जानकारियाँ मैं आपको क्यों दे रहा हूँ और मैं क्यों दे पाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक ये जब मेरा लॉकडाउन लगा था हमने बहुत रिसर्च किया था और करना भी चाहता था, मेरे पास पैसे की कमी था तो मैं कर नहीं पाया। मैं ये सब जानकारियां सारी इकट्ठी करके कपड़ा का क्या रेट है, कपड़ा कितने में आता है, मशीन का तो कोई छुपा नहीं है, मशीन का क्या रेट है, कोई भी दुकान जाएंगे वही 1000 रुपया, 1000-2000 का फ़र्क होता है, बाकी सब
रेट सब जगह सेम ही रहता है, चाहे इंडिया का कोई भी कोने से भी हो। तो उसके लिए आप ये अच्छा है, कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो करो यार, दुनिया कमा रही है, हम क्यों पीछे रहें, कमाएं। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, या अगर आप नहीं करना चाहते जो करना चाहते हैं उसको बताएं आप, और कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा यार। मैं अभी सूरत में हूँ, कपड़ा लेना हो या मशीन ख़रीदना हो, कोई जानकारियाँ हो तो कमेंट में बताएं हमको। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।